गाइस अभी सुबह के 4 बजे हैं और हम लोग अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं। यहाँ पे हमारी ट्रेन जो है वो चेंज करनी है, तो वो कर लेते हैं, उसके बाद आगे बात करता हूँ मैं आपके साथ। यस गाइस, सो फाइनली आज 15th अप्रैल है। कल यानी कि 14th अप्रैल से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है। अभी जैसे कि आपने देखा, हम लोग अहमदाबाद में ब्रेक जर्नी है हमारी, तो अहमदाबाद कालूपुर रेलवे स्टेशन उतरे, वहाँ से स्टेशन और ट्रेन दोनों चेंज किया, आसरवा रेलवे स्टेशन आए हैं अभी, और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं राजस्थान। यस, राजस्थान उदयपुर जा रहे हैं हम लोग। तो बस अभी जल्दी जल्दी यहाँ से उदयपुर की ट्रेन बोर्ड कर लेते हैं और उसके बाद आगे बात करते हैं। राजस्थान, यस हम लोग राजस्थान एंटर हो चुके हैं। सुबह का नाश्ता चल रहा है और 12-12:30 बजे के आसपास उदयपुर पहुंचेंगे हम लोग। तो बढ़िया सा सफ़र जो है उसको चाय और थेपले के साथ एंजॉय कर रहे हैं हम लोग अभी। तो महिंद्रा के रिसोर्ट उदयपुर में पहुंच चुके हैं। मैं हमारे रूम में हम लोग एंटर होते हैं और मैं आपको रूम टूर भी दे देता हूं जल्दी से। और ये हमारा रूम है, ये एंटर होते हैं यहाँ पे कबर्ट है, ये यहाँ पे कुछ लगेज रखना है तो रख सकते हैं। ये वॉशरूम बढ़िया सा, एंड दिस इज द बेड, बहुत ही बढ़िया। टीवी भी है जो शायद ही कोई देखेगा। और यहाँ पे कर्टन हटा के पता नहीं कुछ व्यू है या नहीं देखते। यस, व्यू तो अच्छा है। सो ओवरऑल दिस इज़ आवर रूम, छोटी सी टूर। एक और रूम है वो अभी मिलेगा हमको थोड़ी देर में, बट वो भी सिमिलर ही होगा, तो अगर कुछ अलग होगा तो मैं आपको रूम टूर दूंगा, अदरवाइज सिमिलर होगा तो यही है, ऐसा समझ लीजिए। 2 रूम ऐसा है हमारे। यस गाइस, सो रेडी हो चुके हैं और अभी क्विकली लंच करते हैं और उसके बाद एक्सप्लोर करते हैं द सिटी ऑफ लेक्स, उदयपुर सिटी को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करते हैं। अभी ऑलरेडी 3 बज रहे हैं, सो 4-5 घंटे का टाइम है हमारे पास, उसमें
जितनी जगह एक्सप्लोर कर पाएंगे वो करते हैं। बाकी ये रिसोर्ट भी हमारा है, वो भी पूरा अच्छा खासा देखने लायक है। यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है, ये सारी फैसिलिटीज़ भी है। देखते हैं उसमें से अभी क्या क्या कर पाते हैं। बट अभी पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा। यहाँ से रिसेप्शन एंट्री है, और यहाँ पे प्ले एरिया है। अंदर कुछ मेंबर्स गेम्स खेल भी रहे हैं, बाद में देखेंगे वो। पेट पूजा हो चुकी है और हमारी कैब जो है वो आ चुकी है, तो चलो आपको दिखाते हैं कुछ प्लेसेस उदयपुर की। सबसे पहले चल रहे हैं पिछोड़ा लेक। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हो वो है पिछोड़ा लेक। पहुंच चुके हैं पहली जगह, यानी कि पिछोड़ा लेक। अभी जस्ट एंट्री ली है, अभी अंदर चलते हैं थोड़ा आगे और देखते हैं। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया नज़ारा है यहाँ से। और मैं आपको कैमरा फ्लिप करके भी दिखाता हूँ थोड़ा अच्छे से। ये टिकट विंडो है, यहाँ से टिकट ली और चलते हैं बोटिंग के लिए। 30 सीटर वाली बोट है, उसका 180 रुपीज़ पर पर्सन है। और 10 सीटर वाली बोट है, उसका 360 रुपीज़ पर पर्सन है। सो अभी चलते हैं, थोड़ा वेट करना पड़ेगा दूसरे पैसेंजर्स आ जाए उसका। और कुछ इस तरीके की एंट्री है यहाँ पे। तो हमारी बोट जो है वो चल पड़ी है, जैकेट पहन ली है सबने। लेक के चारों ओर डिफरेंट 5-स्टार होटल्स है, ताज है, लीला है, ओबेरॉय ग्रुप की है, बहुत सारी है। ताज की तो बीच में ही है और उसके दूसरी साइड सिटी पैलेस भी हमने देखा। आगे और देखते हैं, और एक दो होटल्स या ऐसे बड़े कुछ प्रॉपर्टीज दिखाई दे रही है, कौन सी है देखते हैं। लेट्स सी। ये यहाँ पे हेलीपैड है, उसके पीछे ओबेरॉय ग्रुप की होटल है, 5-स्टार होटल। ये व्हाइट वाली जो बिल्डिंग है वो ताज है, और उसके पीछे
जो हमने काफ़ी करीब से देखा वो सिटी पैलेस है। और ये जो सामने होटल्स दिख रही है ये लीला ग्रुप की है। यहाँ से खारी सिंह हमने ली है और थोड़ी सी शॉपिंग भी देखा जा रहा है, कुछ अगर पसंद आएगा तो शॉपिंग भी की जाएगी। लेक पिचोला के बाहर ही पार्किंग में बढ़िया सी कुल्हड़ वाली चाय और रवा बिस्किट हमने लिया है यहाँ पे। लेक पिचोला के पास ही में रोप वे है, ऊपर जाएगा यहाँ से, वहाँ पे चलते हैं। टिकट्स लेनी पड़ेगी, आई थिंक 661 रुपये है। टिकट पापा लेने गए हैं और हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं, फिर चलते हैं ऊपर रोप वे में। 331 है टिकट तीन जने का, मतलब 110 रुपये एक जने का। और यहाँ पे ये टोकन नंबर है 249 मिला है हमको और डिस्प्ले में 246 नंबर चल रहा है, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा, उसके बाद हमारा नंबर आएगा। और यहाँ पे अंदर कुछ ऐसा है व्यू, रेस्टोरेंट जैसा, मतलब थोड़ा नाश्ता वास्ता मिल रहा है यहाँ पे। यहाँ से नीचे जाना है फिर आगे चलते हैं रोप वे। छोटा सा रोप वे का रास्ता लग रहा है। यस, सो हम लोग रोप वे में आ चुके हैं। हेलो, बढ़िया सा व्यू है, लेक भी दिख रहा है एक साइड पे। किधर है? ऊपर पहुंचेंगे तो सनसेट का टाइम भी हो गया होगा। आप ये देख सकते हो मेरे फेस पे जो गोल्डन लाइट आ रही है। साथ में चलते हैं, ऐसी कुछ सिस्टम है या तो पता नहीं, हमारे रूप पे ऐसे चल रहे थे। बट यहाँ पे अभी करणी माता का मंदिर है, सनसेट पॉइंट है और पूरा सिटी व्यू पॉइंट भी है, तो और एक किला भी है। यस, एक फोर्ट भी है। अभी फोर्ट शायद बंद है, बट लेट्स सी। मेन मेरे लिए जो अट्रैक्शन का पॉइंट है यहाँ पे अभी वो है सनसेट और सिटी व्यू पॉइंट। बहुत बढ़िया व्यू आएगा ऐसी एक एक्सपेक्टेशन है, सो लेट्स सी। मंदिर दरगाह और किला पर जाने का रास्ता है यहाँ पे। और ये फोर्ट की दूसरी साइड पूरा उदयपुर सिटी। सो फोर्ट की एक बाजू ये व्यू है और दूसरी बाजू ये व्यू है। Thank you.
करणी माता जी का मंदिर है। बढ़िया सनसेट देखते देखते ये कैरी और ककम्बर एंड विद दिस व्यू उदयपुर सिटी और उसका ट्रैफिक जाम और आज के दिन की लास्ट जगह यानी कि फतेह सागर लेक आया है। थोड़ा अंधेरा हो गया है, अर्ली नाइट या तो लेट इवनिंग बोल सकते हैं, 8 बजे है अभी, बट बहुत ही बढ़िया व्यू नहीं है उतना, लेकिन फील जो है बहुत ही बढ़िया आ रहा है क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पानी का थोड़ा थोड़ा आवाज़ आ रहा है और लाइटिंग के हिसाब से आपको भी थोड़ा सा पानी तो दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, पूरा यहाँ पे इस तरीके का। सामने मम्मी पापा बैठे हैं सामने और मैं यहाँ पे बैठा हूँ। सो गाइज अभी रात के 10:30 बज रहे हैं और हम लोग वापस हमारे रिसोर्ट पे आ चुके हैं और मेरी और मेरे मोबाइल की दोनों की बैटरी डाउन है। सो आज का ये व्लॉग जो है राजस्थान सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं। डिनर कर लिया है यहाँ पे नीचे रिसोर्ट में ही, बढ़िया सा डिनर किया है और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में यानी कि एपिसोड 2 में। आगे हम लोग कल के दिन में हम लोग जो है क्या करने वाले हो वो थोड़ा मैं बता देता हूँ एंड करने से पहले। यहाँ पे फाइनल जो कल की डेस्टिनेशन वो जो है वो है कुंभलगढ़, क्लब महिंद्रा का ही रिसोर्ट है, वहाँ पे जाने वाले हैं। रास्ते में 3-4 जगह देखते हुए विजिट करते हुए हम लोग जाएंगे, तो वो कौन सी जगह है वो देखने के लिए देखिए नेक्स्ट एपिसोड। और ये एपिसोड अच्छा लगा है, एपिसोड 1 अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नीचे कमेंट्स में भी आप लिख सकते हो। इसके अलावा भी कोई ऐसी जगह है अगर उदयपुर में वैसे 1-2 जगह नेक्स्ट एपिसोड में शायद कवर करूँगा मैं, लेकिन अगर कोई ऐसी जगह है जो स्पेसिफिकली जाना ही चाहिए, ऐसी कोई है कि मिस आउट नहीं करनी चाहिए, तो वो भी कमेंट में आप लिख दीजिएगा तो मुझे भी पता चले और दूसरे हमारे व्यूअर्स है वो भी अगर कमेंट्स रीड करेंगे तो उनको भी थोड़ा आइडिया रहेगा। बाकी मेन ऑलमोस्ट आधे दिन में कवर कर सके ऐसी 2-3 जगह कवर की है हमने, तो आशा करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आपने यहाँ तक देखा उसके लिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय।